उधम सिंह नगर जिले की पुलभट्टा थाना पुलिस ने नाबालिग के साथ दुराचार करने के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। विगत 3 अप्रैल को पीड़ित परिजनों ने पुलभट्टा पुलिस को दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। घटना के अनुसार पुलभट्टा थाना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में विगत 27 मार्च को एक युवती का विवाह समारोह आयोजित किया गया था। आरोप है कि विवाह कार्यक्रम के दौरान दोनों आरोपियों ने दुल्हन की नाबालिग बहन का बारात घर से देर रात को अपहरण कर लिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने नाबालिग के साथ दुराचार करने के बाद सुबह तड़के उसे घर के पास छोड़ दिया और मौके से फरार हो गए। पुलभट्टा थाने में मामले का खुलासा करते हुए CEO ओम प्रकाश ने बताया कि नाबालिग के परिजनों की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई थी। पुलिस टीम ने आरोपी गजेंद्र सिंह और उसके दोस्त कमल सिंह को घटना में प्रयुक्त जीप के साथ पकड़ लिया है। देखिए, बरा क्षेत्र में गोल्डन पैलेस हॉल है, वहाँ एक व्यक्ति ने सूचना दी कि मेरी बड़ी बेटी का की शादी थी, मेरी छोटी बेटी वहाँ से गायब हो गई है। इस सूचना पर त्वरित पुलभट्टा SO द्वारा कार्रवाई करते हुए पता किया तो पता चला कि गजेंद्र सिंह उस लड़की को लेके गया है, वो नाबालिग थी। उसकी तहरीर पर मुकदमा पंजीत किया गया, पॉस्को एक्ट लगाया गया और घटना की गंभीरता देखते हुए टीमों का गठन किया गया और तत्काल 24 घंटे के अंदर ही उस लड़की को और अभियुक्त गजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।